आज की वीडियो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मेरे इस चैनल पे पूछे गए हैं फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड टिल नाउ इज़ डिफरेंस बिटवीन सन साइन एंड मून साइन। और आज की वीडियो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उसको इतनी सिंपल बना दूँ कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्यों? क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जैसे सन साइन और मून साइन में क्या डिफरेंस है, मैं अपना सन साइन कैसे पता करूं, मैं अपना मून साइन कैसे पता करूं, मैम जब रीडिंग हम पढ़ते हैं या होरोस्कोप आता है तो हम उसमें क्या चेक करें, हम मून साइन के हिसाब से चेक करें या सन साइन के हिसाब से चेक करें, मैम दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है, मून साइन एक्यूरेट है या सन साइन एक्यूरेट है, मैटर क्या ज़्यादा करता है, मतलब दोनों देखना ठीक है या एक ही चलेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज मैं मेरा मून साइन एक्वेरियस है और सन साइन स्कॉर्पियो है तो मैं मेरे फिर डिफरेंसेस कैसे पता चलेंगे। नमस्ते, वेलकम टू निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल एंड बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक फैमिली। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एक सिंपल इजी तरीके से बताऊंगी कि सन साइन क्या है, मतलब सूर्य का साइन क्या है। अगर सन साइन की बात करें तो आई थिंक सबसे आसानी से जो ढूंढा जाता है या जिसको हम बहुत जल्दी से समझ सकते हैं वो है हमारा सन साइन। अब सन साइन को पूछें तो वो क्या, सन साइन मतलब जब आप पैदा हुए उस टाइम सन कौन सी राशि में था, वो होगा सन साइन। अलग अलग राशियां हमें पता है 12 राशियां हैं, है ना, तो उसमें उस टाइम पे वो कहाँ पे था, सन कौन सी राशि में था, उससे हमें पता चलता है सन साइन। 12 सन साइंस होते हैं यानी 12 राशियां होती हैं, लेकिन सन साइन जो है वो हर एक राशि में करीब करीब 30 डेज तक रहता है। तो 30 डेज के बाद हमारा सन साइन चेंज होता है यानी दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो एक तो ये विंडो हो गई 30 डेज की। सन साइन बताता क्या है, क्या पता चलता है? सबसे पहले तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है, यानी आपको देखते ही आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, कैसी है। सबसे पहले आपका इम्प्रेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपका आउटर वर्ल्ड, आउटर सेल्फ, बाहर की दुनिया, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी बाहर की दुनिया कैसी है, वो आपका सन साइन आपके बारे में बताता है। एक वो सेल्फ जो आपका आइडियल सेल्फ है और जो आप एस्पायर करते हो बनने के लिए, जो आप जिस तरफ चलना चाहते हो, और जैसे जैसे आप एज में प्रोग्रेस करते चले जाते हो आप अपने सन साइन से ज़्यादा रेजोनेट करने लग जाते हो। तो आप बोलोगे पैदा होते ही नहीं होता, होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन सबसे पहले आप अगर किसी चीज़ से रेजोनेट करते हो तो आप अपने मून साइन से रेजोनेट करते हो, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो आप अपने आप को एक एरिया, मतलब एक तरफ जाना चाहते हो, अपने आप को वैसा कहलाना चाहते हो, वैसा बनना चाहते हो, वैसे दिखना चाहते हो, वैसी पर्सनैलिटी चाहते हो, वो है आपका सन साइन। आपकी जोडिक पर्सनैलिटी भी है, यानी 30 डेज में अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो ऑल दोज पीपल जो स्कॉर्पियो सन साइन से गवर्न्ड हैं उनकी पर्सनैलिटी के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं मोर और लेस बहुत सिमिलर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेट्स हों और चाहे वो नेगेटिव ट्रेट्स हों, दोनों के दोनों ट्रेट्स उसके अंदर कवर होंगे। सन साइन को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ ये दो ही चीज़ें पता हैं तो भी आप बड़े आराम से अपना सन साइन कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिख जाएगा पूरे सन साइन की एज पर द डेट्स और मंथ्स किस कैटेगरी में कौन सा सन साइन फॉल करता है। आप उसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर सन साइन रहते हैं। सेकंड साइन की जो है मून साइन। मून का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं ना सन अगर किंग है तो मून क्वीन है, यही कहा जाता है ना। सन फादर फिगर है तो मून मदर है। मदर का मतलब क्या हुआ, इमोशंस। मून का मतलब क्या हुआ, अंतरात्मा, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो आपकी इनर फीलिंग्स हैं, जो आप अंदर से सोच के चलते हो, वो सारी चीज़ें आती हैं मून साइन के अंदर। जब आप पैदा हुए उस समय मून कहाँ था, यानी मून कौन सी राशि में था, वो आपका साइन बताता है आपका मून साइन क्या है। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ वेयर वॉज मून सिचुएटेड, दैट इज़ वॉट इट इज़ गोइंग टू टेल यू कि आपका मून साइन क्या था। मून साइन को हम राशि भी कहते हैं। जैसे जनरली अगर हम हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो हमें पता है जन्म पत्री निकालते हैं तो उसमें हमारी राशि होती है, राइट? तो मेरी मून साइन क्या है, मेरी कुंभ राशि है। अब मून साइन पता करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मून साइन चंद्रमा हर एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन रहता है, 2.5 दिन के बाद वो दूसरी राशि में चला जाता है। ऐसे ही जैसे सन हर राशि में 30 डेज रहता है, मून हर राशि में ओनली 2.5 डेज रहता है। तो ज़्यादा स्पेसिफिक क्या हुआ,
ऑब्वियसली मून साइन। तो जब आप अपने बारे में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो आपके लिए जो वो कहते हैं ना क्विक टिप या जल्दी वाली, आज की जनरेशन के लिए इसलिए वो सन साइन देखते हैं, फटाफट देखा ख़त्म, कौन इतनी पता करे, इतनी जहमत कौन करे, राइट। लेकिन अगर आपको मालूम है आपकी सारी डिटेल्स, अब मून साइन में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मून साइन में आपको पता होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मंथ ऑफ बर्थ, आपका ईयर ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है आपकी डेट, मंथ, ईयर और टाइम, अगर ये चारों चीज़ें आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप अपना मून साइन नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हो, गूगल पे जाके देख सकते हो, आप टाइप करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ और करेंगे आई वांट टू चेक माय मून साइन या आई वांट टू चेक माय राशि, तो आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जिसके अंदर, बट आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंशिएशन आने से या लैटिट्यूडनल डिफरेंशिएशन आने से उसकी दशा चेंज होती है। तो और ज़्यादा इससे क्लैरिटी क्या हो गई, मून साइन से आपको बहुत स्पेसिफिक किसी भी पर्सन के बारे में पता चलेगा। मून साइन आपके बारे में क्या क्या बताएगा, मून साइन आपके बारे में बताएगा ये पांच चीज़ें। सबसे पहली आपकी इनर सेल्फ, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपका जो एक अंदर कहते हैं ना साइलेंट पार्ट है आपका, वो क्या है, आपकी इमोशनल सेल्फ क्या है, आपका मूड कैसा है, मतलब आप कैसे रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मूड हमेशा एक जैसा रहता है, चेंज करता है, मून साइन तो है तो वैसे भी चेंज होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मून साइन के हिसाब से आपकी इंट्यूशन कैसी है और आपका मूड कैसा है, ये सारी चीज़ें आपका मून साइन बताता है। आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये भी मून साइन बताता है। अगर आपका मून साइन स्ट्रांग है तो आप कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट मोमेंट, डिफ़िकल्ट परिस्थिति कैसी भी आएगी, आप उसमें बहुत जल्दी से निकल पाओगे, मतलब आप अंदर से बहुत स्ट्रांग होगे, निकल पाओगे। लेकिन अगर आपका मून साइन वीक है तो कोई भी परिस्थिति ऐसी होगी जो आपको थोड़ा सा भी तंग कर जाएगी तो आप उसी समय नेगेटिव थॉट्स में चले जाओगे, आप बहुत जल्दी से रो दोगे, आप इमोशंस आपके बहुत जल्दी से अप एंड डाउन चले जाएंगे, आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा यू जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू बी देयर विद एनीबडी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मून साइन स्ट्रांग है या आपका मून साइन वीक है। अब मैं एक सिंपल सा और एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, आपके अंदर की डिज़ायर्स हैं, आपके अंदर की विशेज़ हैं, वो हैं आपकी मून साइन। अब उन विशेज़ को पूरा करने के लिए, आप उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, आप उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, आप आउटर सेल्फ में क्या करते हो, दैट बिकम्स योर सन साइन। कैसे एग्जीक्यूट करते हो उसको, कैसे प्रोजेक्ट करते हो, कैसे आप उनको सार्थक करते हो, दैट बिकम्स योर सन साइन। So I hope this is clear to you. अब एक सिंपल सा example और देती हूँ आपको। अगर वर्गो आपका सन साइन है तो आप गवर्न किससे हुए, मरकरी से। अगर आप मरकरी से गवर्न हुए यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की हैं। आपको ऐसे विरला ही कोई वर्गो मिलेगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो, आपको लगेगा हाँ यार इनको तो मतलब दे आर वेरी गुड विद देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो अवर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मतलब वो चाहे किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना चाहे, उनकी जो आवाज़ आती है ना, जो उनकी पर्सनैलिटी है, बिकॉज इट्स रूल्ड बाय मरकरी, राइट, तो वो वैसे होंगे ही होंगे। 99.9% लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होंगी, अब भले ही लैंग्वेज कुछ भी हो। अब वेदर वो कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं, अगर आपका वर्गो मून साइन है तो आप बहुत गुड लुकिंग होंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप बहुत प्लीजिंग होंगे, मतलब सबसे आप मतलब यू कम अक्रॉस एज अ वेरी प्लेजेंट पर्सन, और आप ऑपोजिट सेक्स के पर्सन्स के साथ ज़्यादा बातें करते होगे। अगर आप लड़के हो तो आप बड़े फेमस होगे, मतलब फेमस आई एम नॉट टॉकिंग इन अ नेगेटिव मैनर, इन अ पॉजिटिव मैनर, बॉयज़ के साथ बात करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और अगर आप लड़के हो तो लड़कियों से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, इनफैक्ट बहुत आप बड़े खुले दिल से आराम से बात कर सकते होगे। लेकिन एट द सेम टाइम मून साइन वर्गो है तो एक ट्रेट ये भी है कि आप थोड़े शाई हो, आप बात तो कर सकते हो लेकिन थोड़ी सी हिचक है कहीं बात करने की, वो आप खुल के बात खुलते हो तो बिल्कुल अच्छे से खुल जाते हो, एट द वन मोर थिंग इज आप बहुत जल्दी से एंग्शियस हो जाते हो। तो ऐसे में अगर आपका वर्गो मून साइन है तो आपकी एंग्जाइटी एकदम से सरफेस पे आ जाती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, मेनी अ टाइम बिकॉज यू आर शाई एंड यू आर एंग्शियस यू आर नॉट एबल टू पुट देम अक्रॉस।
सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सन साइन ऑफ वर्गो एंड द मून साइन ऑफ वर्गो. अब सबसे पहले आज आपको एक्टिविटी क्या करनी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के, और आप गूगल करिए मेरी राशि क्या है और वो राशि की डिटेल्स भरिए और उसमें आपकी मून साइन और सन साइन आ जाएगी. अदरवाइज यू डायरेक्टली राइट व्हाट इज दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज माय सन साइन एंड व्हाट इज माय मून साइन. सो आपके पास दोनों की दोनों चीज़ों की डिटेल्स आ जाएंगी. सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो क्लियर्ड अ लॉट ऑफ डाउट्स ऑफ योर्स, और आप जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछते थे वो सारे आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए हों. अब अगर आप चाहते हो कि मैं सारी राशियों की, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कॉर्पियो सन साइन है तो आपके क्या ट्रेट्स हैं, और अगर स्कॉर्पियो मून साइन है तो क्या कैसे हो गए आप, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मैं ज़रूर हर एक राशि के सन साइन और मून साइन रिलेटेड ट्रेट्स और प्लस उनकी इनर सेल्फ कैसी है, मैं दोनों की डिस्टिंक्शन और दोनों को डिस्टिंग्विश करते हुए अलग अलग आपसे शेयर कर पाऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक. और आज की वीडियो मैंने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड करी है, थोड़ा बाहर आवाज़ है, शोर है, लेकिन मुझे लगा कि आई मस्ट. हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था ये वॉलपेपर के लिए, इट्स नॉट अ वॉलपेपर, ये टाइल्स का ऐसे ही बना हुआ है और इसी तरह से टाइल्स आई थी जिनको लगा के मैंने वॉल पे ये बनाया है, बिकॉज माई फेवरेट इज ट्री ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ वॉट ट्री ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट. Thank you once again. God bless you and lots of love.